हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स अर्शुखान। अर्शुखान तो है नहीं, तो आज हम लोग आप सबको लेकर के आए हैं सुदेसी मेला। ये देखिए पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह है, और हमको तो जानते ही होंगे, मैं हूँ नेहा खान, और ये कौन है गाइस? जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? तो भाई स्वदेशी मेला है, अर्शुखान तो भैया नहीं है, कानपुर गए हुए हैं, तो हम ही लोग आकर के बना रहे हो मिली कुणाल से। कुणाल से तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी हमारा स्वदेशी मेला। चौथा बंदा हमारा फोटोग्राफी कर रहा है, ये देखिए ये व्हील चेयर पे उठ गया हमारे आमिर भाई। आमिर भाई तो लोग पहचानते हैं, ये तू कौन है भाई, तू कौन है? हाँ अपना इंट्रो दे। ये एक्चुअली इनको पकड़ के लेकर के आए थे, ये फोटोग्राफी करेंगे, इनके जरूर इंस्टाग्राम पे जाकर के इनको देखिएगा आप लोग। और गाइस चलिए हम लोग आपको लेकर चलते हैं इसके अंदर, और आपको हर स्टॉल विजिट कराएंगे, और यहाँ पे सारे वही सब स्टॉल लगे हुए हैं जो हम लोग ने पिछले इवेंट में आप लोग को एक्सप्लोर कराया हुआ है, वही सब यहाँ पे भी हैं, आपको स्टॉल मिलेंगे। और गाइस आप लोग जल्दी से ज़रूर आइएगा इस मेले में और इन्जॉय करिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ मिलेंगी। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और कभी और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ये किस मतलब आप लोगों ने ये खुद स्केच किया या किसी से करवाया? मेरे स्केच है या आपके खुद के स्केचेस है? इन्होंने खुद बनाया है फोटो? ये दिखा दो शाहरुख खान को, दिखा दो आपका पास। भैया भैया हाँ, ये सब हैंड, ये सब हैंडमेड है। आप कहाँ? और ये मैं लखनऊ से हूँ, लोकल आशियाना। आशियाना में रहते हैं? प्राइस नो सेल मेरे ब्रदर की है। अच्छा, ये आपके भाई की? दिखाओ। इनके भाई की है, बहुत प्यारी। आपने खुद बना अपने हाथों से? यकीन नहीं हो रहा। तो क्या मेरे बना सकते हैं आप? खड़े खड़े अभी लाइव करता हूँ। कितना लाइव भी करता हूँ सामने? अच्छा लाइव, बहुत बहुत जबरदस्त। सुशांत सिंह की कितनी प्यारी बनाई है। मेरे कहा सुशांत सिंह नहीं होगा, सुशांत सिंह। तो गाइज, अगर आप लोग को स्केचेस बनवाने हैं तो आप जरूर कहाँ पे विजिट करें, अपना एड्रेस आप खुद बता दीजिए। वैसे इंस्टा पे प्रो आर्टिस्ट विनय से, प्रो अंडरस्कोर आर्टिस्ट विनय से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम, आप लोग कहाँ से हैं? प्रॉपर लखनऊ से रहने वाले? तो ये पेंटिंग स्टूडेंट्स हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर। अच्छा मैम, तो मैम ये आपने अपने हाथों से बनाया है? जी, सब कुछ है। पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं, एवरीथिंग पेंटिंग। दिखाओ कोई फ्रॉम देयर टू हियर। माय नेम इज ईशा एंड माय नेम इज रंजन। वी आर फ्रॉम, नाइस मैम। वी आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैम, ये पेंटिंग आपको बनाने में कितना टाइम लगता है? हमको ये पेंटिंग पे डिपेंड होता है कि किस तरह की बना रहे हैं। तो हमको ये पेंटिंग पे डिपेंड करता है कि कैसी पेंटिंग है। तो जैसे कि ये है, इसको मुझे बनाने में जितना समय लगा था, पेंटिंग जी जी, इसको बनाने में 1 वीक लगा था। ये है, ये मुझको 1 मंथ लगा था इसको बनाने में। ये क्लेवर के कैनवस पे और वो वाटर वर्क है, और यहाँ पे वाटर एक रेलिक सब तरह का वर्क है, तो मिक्स मीडिया आर्ट एवरीथिंग। तो मैम, इसमें आपने ब्रश इस्तेमाल करे थे? जी, ब्रशेस ऑफकोर्स। वो मंडला आर्ट है, उसमें पेन वर्क है प्लस येलो बैकग्राउंड है। तो मैम, ये कितना समय लगा था आपको बनाने में? ये मेरे को 1 हफ्ता लगा था बनाने में इसको भी, क्योंकि ये मंडला है, बहुत डिटेलिंग वर्क है। 1 हफ्ते लगा था, और आपने प्राइस तो एकदम बड़ा लगता है। अच्छा, वो 290 ऊपर देख रहा था, नीचे सॉरी नीचे दूसरे प्राइस, वही तो हम कंफ्यूज हो गए। अगर लोग नीचे के प्राइजेस देखेंगे फिर तो वो कोई हमारी कोई पेंटिंग दिखती ही नहीं आपको। वही तो हमने सोचा, प्राइजेस देख रहे हैं इसलिए कोई देख के ही निकल जा रहे हैं। अगर भाई पान खिलाएंगे आप हमको? कौन सा खाना भाई आपको? क्या भैया, क्या प्राइस है? ये मीठा वाला 20 का है, चॉकलेट वाला 40 का, फायर वाला 50 का। तो हमें फायर लगवा दो, इनको फायर लगवा दो, गर्मी ज्यादा बहुत हो रहा है। मतलब आज यहाँ जाओगी, आग लगाओगी? आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। इनको फायर बंद, ड्रैगन बन जाओगे, ड्रैगन। भैया वीडियो यूट्यूब पे आपका वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा। चैनल बता दीजिएगा बस, अर्शू खान। मैं लाइक करूंगा। आप पहले मोबाइल में डालिए तो आपको मिलेगा ही नहीं अर्शू खान। अरे पहले फायर लगा लो इनको, तो इसके बाद हम चैनल लेके सब्सक्राइब कर देना हमारे फोन में। बिल्कुल, देख रही है फायर बन रहा है, ये फायर बन खाने जा रही है। और ये देखिए किस तरह फायर पर मटेरियल पड़ रहा है, एक एक करके मटेरियल डाल रही है भाई। अब देखिए कि आग लगने जा रही है, ये आग लग चुकी है, ये आग लग चुकी है, इनके मुंह में जाएगा। देखते रहिए आप, देखिए कैसे जाता है ये फायर पान है। ये देखिए, डर गई हो पहले ही। ये लो, ये डर गई, जो डर गया वो अपने घर गया। देख रही कैसे ये लोग डर गई है फायर पान खा के। तो फायर पान खा के इनको कैसा लगा है ये इनसे पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा फायर पान खा के? टिश्यू लाया था, तो गड्डी भी खत्म हो गई इसलिए पेपर मांग के लाया। फिर तो फायर का पान पता, स्वाद इतना, पान इतना बड़ा था मुंह से सब नहीं निकल रहे हैं। इनको पैसे काटते 30 रुपए देना।
देख रहे हैं किस तरह ये लोग नोट शोक कर रहे हैं भाई। हमने तो 50 बताया था, 30 काट के 50 फाइन के 30 रुपए दिए जा रहे हैं। इधर देखिए क्या हो रहा है, ऐसा ना करो पूरा पैसे कर। नहीं भाई तुमको पूरा पैसा दिया जाएगा। बैट निकाल लो आप, ग्रीन वेजिटेबल, अब घर पे काली हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, इसमें नेचुरल कलर घर पे कभी ऐसा नहीं आता। और इसमें नींबू मसाला डाल करके खाएं एज ए सैलेड, और अगर फ्राई करना है तो आधा चम्मच ऑयल लगेगा, फ्राई करके खा लो नींबू मसाला डाल करके, इंडाइजेशन प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आता। और ऐसा खाने के बाद ना ही कोई अलोम विलोम करना, ना ही पेट अंदर बाहर करने का, पोस्ट करना है बिना पानी के स्टीम से। बाबा रामदेव आते ना सुबह सुबह टीवी पे, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। अभी ये ढोकला है मार्केट से लाते ना, फ्रेश की गारंटी नहीं होती, घर पे फ्रेश बना करके खा लो। ऐसा ढोकला खाए आप इसके अंदर, गुजराती ढोकला ले लेंगे। ढोकला बनाना है, मोमोज बनाना है, केक बनाना है, एवरीथिंग कुकिंग मैडम ट्राई करें। तो चावल तो ऐसा बनता है सर, देखो ना जाने कैसा, एक एक सामने देख के स्टीम राइस घर पे कुकर में बॉईल करेंगे ना, पता ही नहीं है। एक सीटी कम रह गई, कच्चा रह गया, एक सीटी एक्स्ट्रा लग गई, जल गया, इसमें ना ही जलेगा ना ओवर कुक होगा। नेवर 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 ओवर कुक और नेवर बर्न स्टीम राइस। अब कौन होता है घर पे कुकर में बॉईल करके खाते हैं, नेचुरल टेस्ट पानी में निकल जाता है, इसमें टेस्ट चेंज नहीं होगा। और मॉल में जाते ना छोटा सा का 50 रुपए का आता है, हाँ जी घर पे ब्रश बना के खा लो, 70 रुपए का पैकेट आता है आधा किलो का। ये उठा लो चम्मच, ये ले लो ना, ये ले लो ढोकला, ये देंगे। वैसे मॉल वाला बना करके खाओ आप इसके अंदर बेटा, ठीक है। तो ऐसे पुलाव बिरयानी बनाना ना, बिना घी तेल का, बिना छोके तड़के का बनाए। जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो जरूर ले लेंगे। मेरे को तो बहुत पसंद आया, बनाओ या गैस पर बनाओ। नो योगा नो शोगा रियल। अब ये देखें पुलाव घर पे बनाते ना बिरयानी, बिना घी तेल का, बिना छोके तड़के का नहीं बनेगा। इसमें ना छोंका लगाया, ना तड़का लगाया, ना फ्राई किया, मसाले वेजिटेबल सब कुछ कच्चा डाल दो, मिक्स करके रख दो, 20 मिनट का टाइम लगा दो। अटेंशन खड़ी नहीं रहना, कुकर का विजल काउंट नहीं करना, बनने के बाद ऑटोमेटिक हो। और घर पे भी आएंगे ना मैडम, ये कंप्लीट सेट होता है, घर पे भी आएंगे ना तो ऐसे ही बना के दिखा के आएंगे, जब बन जाए उसके बाद देने पैसे। देखो ऐसे पीनट्स
मूंगफली में काफी सारा ऑयल फैट होता है, स्पून ले लो मैडम खा के तो देखो, पीनट्स में काफी सारा ऑयल फैट होता है, अननेसेसरी बॉडी में जाता है, नाचा करके डाइजेस्ट करना पड़ता है, ये स्टरलाइज हो गई, आप इसको स्टीम करके खाए फैटलेस, खाते रहो ऐसा खाना, खाते रहो खाते रहो। अब ये देखे इडली होता है ना, सोलह बनेंगे 10 मिनट में, अब स्टीम में बन रहा है इडली तो बनी जाएगी, सिंपल है, मेन बात है सांभर बनना, इसमें विदाउट ऑयल सांभर बना लो, ऑयल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑयल वाला जलने वाला शब्द यूज नहीं होता, स्टीम सेल सांभर खा के देखो, आमिर भाई खाओ, सर यहाँ से बुकिंग करते हैं, इसके साथ में क्या क्या मेज है ये भी देखिए, एक एग बॉयलर देंगे, एग टमाटो पोटैटो बॉयल करने के लिए, 6 अंडों का स्टैंड, अंडे नहीं खाते, छोटे साइज के आलू आमला टमाटो स्वीट पोटैटो रखो, एक सूप का ट्रे, 16 इडली बनाने के लिए इडली के स्टैंड, ढोकला केक बनाने के लिए कढ़ाई, नहीं नहीं सर प्लास्टिक नहीं है, पॉलीकार्बोनेटा फूड ग्रेड मटीरियल, ये देखिए एक ढोकले का कढ़ाई और एक स्टील का बर्तन दे रहे हैं आज के ऑफर में, दाल चावल दूध के लिए कम्प्लीट सेट आएगा, ये प्लास्टिक नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट है, फूड ग्रेड मटीरियल होता है, हर टेस्ट से पास है, क्वालिटी इन्वायरमेंट हेल्थ CERO ISO कम्प्लीट है, कंपनी प्रोडक्ट है हाईटेक इलेक्ट्रो प्लस प्राइवेट लिमिटेड, 1 ईयर का रिप्लेसमेंट गारंटी, लाइफ लॉन्ग सर्विस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए यहाँ पर हम 200-400 लेके बुक करते हैं, बाकी पैसे घर पे लेते हैं, घर पे आएंगे एक दो चीजें बना के दिखा के आएंगे, बटर चिकन तो ऐसा बनता है विदाउट ऑयल बना लो, 0% ऑयल में, ऑयल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बटर चिकन चिल्ली चिकन लेमन चिकन एवरीथिंग सब बनाओ, इंस्टेंट पोर्टेबल गीजर है, किचन बाथरूम में कहीं भी 2 किल पे हैंग हो जाता है, इसी भी टैप से लगाइए, नल का इधर से ऑन कीजिए, स्विच ऑन कीजिए, नीचे से उसका इनलेट है, ऊपर से आउटलेट है, ठंडा तो नहीं जाएगा, 10 सेकंड के अंदर गर्म होना स्टार्ट होगा, अच्छा इसकी क्या प्राइस है भाई? सर कंपनी प्राइस है 3400 रुपए, डायरेक्ट गर्म पानी भी नहीं लगता है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब गीजर जो हम लोग खरीदते हैं 5-10 हजार रुपए का, उससे अच्छा ही करंट वरंट तो नहीं आता, 100 रुपए करंट नहीं आता, चल नहीं आता, अच्छा भाई इसमें जो है स्टीम बन जाती है, गर्म पानी भी इंस्टेंट देता है, बहुत जबरदस्त है, तो पानी इधर से बंद कर दिया, जो इसके अंदर पानी स्टोर है उसकी 2 मिनट बाद स्टीम में देता है, अच्छा अटैचमेंट इसके साथ में फ्री है, सर्दी में जैसे कोल्ड हो जाता है बच्चों को या बड़ों को, तो इसके आगे आएंगे, दर्द है तो आइडेक्स मुंह में लगाइए, फेशियल करना होता है, चेहरे पर क्रीम लगाइए, अगर आपको स्टीम बात करनी है तो बाथरूम के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे तो 10 मिनट में पूरे बाथरूम को स्टीम से भर देगा, सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर बिना पानी के ऐसे चला के छोड़ देंगे आप तो कभी जलेगा नहीं फूकेगा नहीं, आप 100 रुपए की रॉड से लेकर अगर 10,000 का गीजर भी बिना पानी के चला के छोड़ देते हैं तो फूक जल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जलने फूकने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑटो कट रहता होगा, परफेक्ट ऑटो कट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट हीटर रॉड थर्मोस्टेट ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ जो जल जाए फूक जाए बिजली जाते, कितनी बिजली लेता है इसमें? 2 स्विच है, लो हाई, लो पे चलाएंगे 1 घंटे में 1.5 यूनिट आएगी, हाई पे चलाएंगे 2 यूनिट 100 लीटर पानी गर्म करने 1 घंटे में, हाँ जी सर, जबरदस्त, 100 लीटर का मतलब है घर में 8-10 जने नहाने वाले होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जब जरूरत पड़ेगी या कोई फंक्शन वगैरह होता है जरूरत पड़ती है घंटा चलाने की, बाकी एक आदमी को नहाने के लिए 5-7 मिनट केबल चलाना पड़ता है, पानी वगैरह गिर रहा है तो ऐसे नुकसान तो नहीं करेगा ये सर, 2 मिनट बाद खाली स्टीम आ जाती है, स्टीम स्टार्ट होगी, ये देखिए इसकी स्टीम, ये 10 मिनट तक स्टीम आती रहेगी, 10 मिनट से ज्यादा लेंगे आप तो पानी दोबारा भरना पड़ेगा इसमें, अच्छा अगर इसी गीजर को अगर आप किचन के अंदर यूज कर रहे हैं कॉफी बना सकते हैं, कोई भी लिक्विड आइटम गर्म करना है तो वो भी गर्म कर सकते हो आप स्टीम को, किचन के लिए बढ़िया, किचन में बाथरूम में सिंक पे कहीं भी लग सकता हूँ, ये किस लिए? अच्छा कॉफी बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए एक चम्मच ठंडा दूध कॉफी चीनी ले लीजिए, केवल इसको डिप कर दीजिए, ठंडे दूध ही गर्म कर देगा कॉफी में झाग मार देगा, मल्टी पर बनाएगा बहुत सस्ता है, ऑफर आया हुआ है कंपनी का, जो यहाँ लगवाएंगे बुक करेंगे उनको 2865 का मिलेगा, जबरदस्त बहुत बहुत सस्ता मिलेगा, यहाँ बुकिंग हो जाएगी 2665 बैलेंस घर पे, अगर दोस्तों अगर आप लोग को चाहिए हो तो जरूर यहाँ आए और जरूर यहाँ के बुक करें, बहुत जबरदस्त चीज है,
मुझको तो बहुत पसंद आई, आप लोग को लगा चले गया। गीजर दिखाना सर, गीजर दिखाना सर, इनको गीजर भी दिखा दो। कितना लाइट वेट गीजर है देखिए, कितना लाइट वेट गीजर है। मेरे ख्याल से 2 किलो भी नहीं होगा, 1.5 किलो वेट है इसका। हाँ, 1.5 किलो है। कैरी टू इजी, आप उतार के कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। बहुत 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 ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई आपने। सबसे बड़ी खूबी है जलता फुकता कभी नहीं है। ये देखिए आप, देखिए विदाउट पानी ऑन है, 1 महीने भी ऑन रखेंगे, ना बिजली यूज करेगा ना हीट अप होगा। बहुत सही, पानी जाएगा तो वर्क करेगा। 2 साल की गारंटी, कुछ भी हो जाएगा बिना कॉस्ट के नया चेंज करेंगे। कंपनी का नाम है हाईटेक, हाईटेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये लोकेशन आपकी कहाँ पर है? अगर गोखले मार्ग पर, इसके अलावा कहीं जैसे बाहर से वगैरह विदाउट डिस्काउंट आप हमारे सर्विस सेंटर गोखले मार्ग से। गोखले मार्ग में कोई कार्ड वगैरह है आपका? जी गाइज, ये कार्ड है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को लेना हो, यहाँ पर आप लोग नहीं आ पा रहे तो यहाँ पर से आप लोग इसको आगे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ 26 तक डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल, आप लोग यहाँ अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग जरूर आइए। 2600 रुपए तक की डिस्काउंट, 2665 का पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे 3600 रुपए, मतलब पूरा पूरा मोटा मोटा डिस्काउंट है। ओके सर, थैंक यू। वो बहुत जबरदस्त है सब तरफ के लिए। इससे होता क्या अंकल जी? ब्लड चॉकलेट सही होता ना, मसाज होती है, बस सर के दर्द सही रहती है। इसमें क्या है? सर पे मसाजर, सर पे रखो। गिम्बल नहीं बोलेंगे, गिम्बल नहीं बोलेंगे, बेकार ना करो, रखे दो। गाइस बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग इसको जरूर देखिए आकर के। बहुत ही लाइट वेट है, देखो एकदम हल्का है, बहुत जबरदस्त है, लगा के देखो मजा आ जाएगा। भाई ट्विस्टर छोटा है, हमें भी मजा ले लो, थोड़ा सा मजा जरा। अरे अंकल जी इनका जिम का दर्द आप निकाले दे। इनके जिम का दर्द पूरा निकला जा रहा है। तो भाई आपका नाम? शादाब। तो शादाब भाई आप कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से ही है। तो ये आप जो ये बेच रहे हैं, ये किस चीज से बना है? ये बोन से बना है। किसका बोन? कैमल से। कैमल के बोन से। अच्छा, हर चीज कैमल के बोन से बना है? हाँ, जितना ये बोन का है वो कैमल बोन का, बाकी तो ज्वेलरी। तो इसमें ग्राफ्टिंग खुद अपने हाथ से किया हुआ है कि कहीं से? घर ही पे होता है। अच्छा, घर ही पे काम करते हैं, खुद करते हैं, पापा करते हैं। तो घर कहाँ पर आप? मेरा घंटा घर के पास है। अच्छा, वो बढ़िया रहेगा, रूबी गेट के पास है जी, घंटा घर के थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी सब बोनी का है? नहीं, ये नहीं सर, जितना ये व्हाइट वाला है ये सब। इसको आओ, बहुत खूबसूरत है ये सब। ये क्या चीज है? ये बुकमार्क। बुकमार्क, वाओ, ये सब बोन का बना हुआ है। जी, सब बोन। तो ये हाथी हाथ से बनाया गया आपने? जी हाथी से, ये मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा, मशीन हाथी से मतलब बनाया गया? नहीं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं अपने हाथ से छेनी हथौड़ी लेके बनाते हैं, कुछ मशीन में डाल दिया बन गया। नहीं, मशीन में डाल के नहीं, मशीन से करना पड़ता। अच्छा, मशीन से करना पड़ता है। वाह, मतलब आपके फादर बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। जी, नेशनल आर्टिस्ट हैं। ओ, क्या नाम है? जलालुद्दीन। काम तो बड़ा खतरनाक है यार आपका। आपका नहीं, इनके पापा का नाम है। सॉरी, बहुत आपका नाम है, बहुत ही खूबसूरत। तो आपकी शॉप कहाँ है? सदा भाई। तो गाइज, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तुमको कुछ कहना है? तो गाइज, अपने भाई के चैनल को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इनकी भी बकवास सुन लीजिए थोड़ी सी। हाँ बताओ, क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथ में। तो थोड़ा तो गाइज, आप लोग जरूर हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आप लोग कमेंट करके बताइए हमारे अर्शु खान के चैनल को सबसे ज्यादा, और इंस्टाग्राम को भी भाई फॉलो कर लीजिएगा। ओ माय गॉड, ये आ गया, टू टू टू, चलो भाई, बाय बाय। Again.